हरियाणा अंबाला गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को एसजीपीसी से अलग करने के विरोध में एसजीपीसी मेंबर ने रोष मार्च निकाला। इसकी सूचना जैसे ही एचजीपीसी को मिली तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके इसको रोष मार्च मनाने से इनकार कर दिया। साथ ही एचजीपीसी मेंबर हरपाल सिंह पाली ने कहा कि पंजाब वालों को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनने से तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सिख अब जागरूक हो चुके हैं और उनकी बातों में नहीं आएंगे। वहीं उन्होंने एसजीपीसी के रोष मार्च में शामिल होने वाले लोगों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग उनके साथ गए हैं वो अपने ओहदे के कारण गए हैं, जो अब उनके पास रहने वाला भी नहीं है। देखो, हमने पहले भी ये बेनती करी है कि ये रोस मार्च है ही नहीं। किस चीज़ का रोस मार्च? पंजाब वाले तो रोस मार्च निकाले, उनको तो तकलीफ हुई है। हरियाणा के सिख जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो हरियाणा के उनको ओहदे दे रखे हैं अपने ओहदे के लालचों में, जबकि वो भी नहीं रहना उनके पास। उनको ऊपर से आदेश आ गया, जैसे पहले हरियाणा के सिखों को आ गया जी आदेश, बादल का आ गया जी, उसी चीज़ में 55 साल गुमराह होते रहे। अब खुशी है हरियाणा के सिख जाग चुके हैं, उनकी बातों में नहीं आएंगे। हरियाणा के सिख हरियाणा की बात करेंगे, चाहे वो पानियों का मुद्दा है, चाहे गुरु घरों की सेवा संभाल का मुद्दा है। आज गुरु घरों की सेवा संभाल पूरी तरह से मिल चुकी है। मानयोग हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला देकर हरियाणा के सिख भाइयों को जो गुरु घरों की सेवा संभाल दी है, यही उनको तकलीफ हुई है। और हरियाणा सरकार ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में स्टेटमेंट दिया हरियाणा के हक में, और इसी तरह से 2014 में हुड्डा साहब की सरकार ने जो ये पारित किया था विधानसभा में, तकलीफ तो ये है कि हरियाणा के सिख क्यों जागे हैं और आज वो रोस मार्च के नाम पर उन्होंने